ओके, तो अब हमारे गेम में रिडक्स मॉड इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको रिशेड को कैसे इंस्टॉल करना है यह बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं तुषार और आप सभी का जीटी गेमिंग चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको रिडक्स मॉड को विदाउट एरर सिंपली कैसे इंस्टॉल करना है यह बताने वाला हूँ। जिन लोगों को रिडक्स मॉड क्या है ये पता नहीं है, तो रिडक्स मॉड एक ग्राफिक्स इंप्रूवर या इन्हांसर सॉफ्टवेयर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ ताकि गेम के ग्राफिक्स और भी अच्छे लगे। तो इस वीडियो से आप भी मेरे जैसे ही ग्राफिक्स पा सकते हो। बट रिडक्स मॉड इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, रिडक्स मॉड क्लीन गेम मतलब विदाउट एनी मॉड वाले गेम में इंस्टॉल करना है, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको पहले गेम को अनमॉड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। एक बार रिडक्स मॉड इंस्टॉल हो जाए तब आप फिर से गेम को मॉड कर सकते हो। और एक और बात, ये मॉड किस में चलेगा या किस में नहीं चलेगा, तो मेरे पास एनवीडिया का 150 Ti 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 8GB की रैम और इंटेल का i5 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर है। मेरे स्पेक्स में ये बहुत ही कमाल का चलता है। आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा। तो मैं ज़्यादा डीप में न जाते हुए आपको सिंपली बता देता हूँ कि रिडक्स मॉड से 5 या 10 FPS ड्रॉप हो जाती है। अगर आपकी स्पेक्स इतना FPS ड्रॉप झेल सकती है तो रिडक्स मॉड आराम से चल जाएगा। और जिस किसी को इन्फानेट लोडिंग स्क्रीन का इशू आ रहा है तो सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको gta5redux.com पर जाना है। जैसा कि यहां लिखा है, ये स्टीम के वर्जन के लिए भी काम करता है और यहां पर इपिक वर्जन के बारे में भी बताया है। देखो ये एपिक वर्जन में भी काम करता है। और जिनके पास क्रैक वर्जन है तो डोंट वरी, ये क्रैक वर्जन में भी काम करेगा। तो आप यहां से रिडक्स 1.8 को डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस पेज में सबसे नीचे जाना है। आप रिडक्स 1.8 मॉड को gamestand.net या फिर टोरेंट के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने gamestand.net से डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। अब ये 3GB की फाइल डाउनलोड हो रही है, मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड किया है। नेक्स्ट आपको ओपन आईवी को डाउनलोड करना है, उसके बाद स्क्रिप्ट हुक वी, और लास्ट में रीशेड को डाउनलोड करना है। सभी के डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि रिडक्स मॉड इंस्टॉल करने के लिए आपकी गेम क्लीन मतलब अनमॉड होनी चाहिए। अगर आपने मॉड्स इंस्टॉल किए हैं तो उसे अनमॉड कैसे करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपको फर्स्ट GTAV की फाइल को ओपन करना है, ये ओरिजिनल फाइल है। अब आपको बैकअप वाली फाइल भी ओपन करनी है। तो भाई ऐसे ही कुछ चीज़ों के लिए बैकअप फाइल ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं आपको बैकअप करने के लिए बोलता हूँ। अब आपको बैकअप फाइल और ओरिजिनल फाइल को टैली करना है और जो भी आपने एक्स्ट्रा से मॉड्स या फिर फाइल्स को पेस्ट किया है ओरिजिनल फाइल में तो उसे डिलीट कर देना है। तो ये सब डिलीट हो जाने के बाद आपकी गेम फिर से अनमॉड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बैकअप में एड ऑन स्पॉनर नहीं है, तो मैं ओरिजिनल गेम से भी एड ऑन स्पॉनर और बाकी एक्स्ट्रा के फाइल्स डिलीट करूंगा, जैसे कि कार डीलर, मेन्यू स्टफ, मॉड्स, स्क्रिप्ट्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे आपको टैली करना है सभी फाइल्स को। अगर आपने बैकअप फाइल नहीं बनाई है तो आपको कम्युनिटी टैब में मैं मेरी बैकअप वाली फाइल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसे टैली कर सकते हो। और भी बाकी की फाइल्स बची है वो भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब नेक्स्ट आपको डाउनलोड की हुई फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब आपको ओपन आईवी को इंस्टॉल करना है। मैं ओपन आईवी की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने सुपर बाइक्स एंड सुपर कार्स वाली वीडियो में बताया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। अब आपको डाउनलोड की हुई स्क्रिप्ट हुक वी में बिन फोल्डर में से dinput8.dll और स्क्रिप्ट हुक v.dll इन दो फाइल्स को आपको GTA5 की डायरेक्टरी में पेस्ट करना है या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। GTA 5 की डायरेक्टरी मतलब जिस फोल्डर में आपकी गेम इंस्टॉल है वो फोल्डर,
नेक्स्ट आपको ओपन आईवी स्टार्ट कर देना है। ओपन आईवी स्टार्ट हो जाने के बाद आपको फर्स्ट टूल्स में जाकर एएसआई मैनेजर को ओपन कर देना है और ये सभी फाइल्स को इंस्टॉल करना है। अब आपको फिर से टूल्स में जाकर पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करना है और जहां आपने डाउनलोड किए हुए रिडक्स को एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर में जाना है। अब आपको लास्ट में ओआईवी वाले फाइल को ओपन करना है। नेक्स्ट आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और हमेशा मॉड्स फोल्डर में ही इंस्टॉल करना है। अब इसे इंस्टॉल होने में 5 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है, ये आपके स्पेक पर डिपेंड है। ओके, तो अब हमारे गेम में रिडक्स मॉड इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको रिशेड को कैसे इंस्टॉल करना है यह बताऊंगा। और दोस्तों आज के वीडियो के शाउटआउट्स, फर्स्ट शाउटआउट टू चैतन्य गलधर, ही जस्ट रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। नेक्स्ट शाउटआउट टू गोरंग डेका, तो आप इनके आईडीज में जाकर इन्हें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउटआउट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रिसेंट वीडियो में जिसे शाउटआउट दिया है उनके नाम मैसेज कर देना। और अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप मुझे उसका लिंक भी भेज देना। तो बेसिकली रिशेड इफेक्ट्स या फिल्टर का सेट होता है जैसे हमारे मोबाइल फोन में फोटोज में होता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। अब हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी गेम जहां पर है उसे ब्राउज करना है। इपिक गेम के लिए आपको सी ड्राइव में जाना है, इसमें प्रोग्राम फाइल्स, नेक्स्ट इपिक गेम, लास्ट GTAV और इसमें हमें GTA5.exe इस फाइल को सिलेक्ट करना है। मैंने यहां पर दूसरी वाली गेम में रिडक्स मॉड इंस्टॉल किया है तो मैं वो चूज करूंगा। जहां आपकी गेम है आपको वही फोल्डर सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप के शॉर्टकट से यहां पर काम नहीं करेंगे, आपको आपके गेम के डायरेक्टरी में जाकर ही GTA5.exe को सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो अब ऐसा ओपन हो जाएगा। तो ये सभी इफेक्ट्स या फिल्टर्स है, आप इनमें से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपने जो जो सिलेक्ट किया है उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके पर क्लिक करने से जो आपने इफेक्ट सिलेक्ट की है वो एक एक करके इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिर्फ ओके प्रेस करते रहना है। अब हमारा रिशेड भी इंस्टॉल हो गया है, इसका हमें अभी कोई यूज नहीं है तो मैं इसे क्लोज करके गेम को स्टार्ट कर देता हूं। आप ऊपर देख सकते हो रिशेड के लिए कुछ लाइंस आ रही है। और अब हमारा इंट्रो का वीडियो भी चेंज हो गया है, अब ये रिडक्स का इंट्रो वीडियो आ जाएगा, मैं इसे स्किप कर देता हूं। यार मेरे गेम में अभी बादल आ गए हैं इसलिए रिडक्स मॉड से भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा अभी। अब आपको इफेक्ट्स के लिए होम बटन को प्रेस करना है, आप इसे पढ़ लो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। तो आप यहां से फिल्टर्स चेंज कर सकते हो, अभी बादल के कारण आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आपको चाहिए वो फिल्टर आ जाने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिनिश कर देना है। अब आपको इस रिशेड वाली विंडो को हटाने के लिए फिर से होम बटन को प्रेस करना है। और दोस्तों अगर आपकी गेम लोडिंग स्क्रीन पर ही अटक रही है या फिर क्रैश हो रही है तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। आपको आपके वर्जन के हिसाब से ये गेम कॉन्फिग वाली फाइल को डाउनलोड करना है। पर्टिकुलर ये वाली फाइल अपडेटेड इपिक गेम और स्टीम वाली वर्जन की है और इस वाले गेम कॉन्फिग वाले फाइल में बाकी वर्जन्स की मतलब पुराने वर्जन्स की फाइल है। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है इसका मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने और भी 2 फाइल्स को इंस्टॉल किया है, वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जिस किसी ने अभी तक GT गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, स्टे हेल्दी।